नमः शिवाय नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नकाराय मकाराय बकाराय सकाराय जकाराय शिवाय नमः। केवल यही पांच गोटी अक्षर नुहे, आमर परंपरा रे कहा जाइछि जेनाक्षर समामनायम अधिगम्य महेश्वरा, अठारु आरंभ करिकि ह पर्यंत समग्र अक्षर समामनाय जहांकठार उद्भुत होता। परंपरा अनुसार जितेबले आशुतोष भगवान मंगलमय परम ब्रह्म स्वरूप शिव निजर डंबर को चतुर्दश बार वादन करते बेले चतुर्दश सूत्र आविर्भाव घटी जहाँकि समग्र अक्षर समामनायर एक समाहार अयि उण रुलुके ओं अयोजरट लण नमगण नम झवन घड़ दस जबगड़ दस खप छट छट तप कपय ससर हल। समग्र विश्वर जो अक्षर समामनाय ये सब ये चौदटी रही, तेणु से होंगे से अक्षर समामनायर स्रष्टा, ये विश्वर स्रष्टा परम ब्रह्म परम पिता जगत कर्ता जगत नियंता जगत विधाता से ही परमेश्वर आशुतोष मंगलमय शिव तांकर चरणार बिंदरे आम प्रणिपात करुचु। एवं अर्गस टेलीविजन आनुकूल्य आज जो पवित्र श्रावण मास रे एई महान पवित्र कार्यक्रम त्रिनयन कार्यक्रम अनुष्ठित होउछि, सेठी सेही कार्यक्रम सहित संपृक्त आमर समस्त शांत कांत प्रशांत शिव प्रेमी भक्त वृंद आम अभिनंदन जनाउछु अभिवादन जनाउछु। एवं आजिर प्रसंग होउछन्ति प्रभु मंगलमय भगवान आशुतोष अर्थ नारीश्वर शिव, यही प्रसंग रे आपण मानक सम्मुख रे किंचित उपस्थापन करुछु। प्रभु भगवान हेउचंती मंगलमय शिव। आज जो त्रिनयन कार्यक्रम एठारे करा जाउछि, ए त्रिनयनर अर्थ हेउछि तीनि गोटी नयन। आम मुख्य कार्यक्रम हेउछि त्रिनयन, जे त्रिनयन अर्थात तीन गोटी नयन आम समस्त दुई दुईटी नयन रही, देवतांकर मध्य दुई दुईटी नयन रही, किंतु शिवंकु त्रिनयन बा त्रिलोचन कहीं कह जाए आउ गोटे नयन कहीं से कौन दीटा नयन रे से विश्व ब्रह्मांड को देखि पारुना आउ गोटे नयन आवश्यकता कहीं पड़ा। आउ गोटे नयन आवश्यकता एथिपाई जे दुईटी नयन हूँ चर्मचक्षु, चर्म चक्षुरे आमे जहाँ देखुचु जहाँ जे केवल विश्व ब्रह्मांड रे रही नुहे, तार अतीतरे ताकू लंघन करिकिरी तार अंतराल रे आउ एक दिव्य चेतना रही भगवानंकर से दिव्य स्वरूप रही। आमे से दिव्य स्वरूप को देखिबा पाई दिव्य चेतना को देखिबा पाई आम समस्तंकर तृतीय नयनर आवश्यकता रही, ताहा केवल त्रिनयन शिवंकर ठारे रही। एवं से त्रिनयन को जेतेबेले कुरुक्षेत्र संग्राम रे भक्त पार्थ धनुर्धर अर्जुन कृष्णंकर विश्वरूप देखिबा पई चाहिला, तांकर प्रकृत स्वरूप को देखिबा पई चाहिला, चर्म चक्षुरे तांकु मुरली मनोहर श्याम सुंदर कृष्ण तांकर रथर सारथी भावरे तांकु देखि पारुथिला, किंतु जेतेबेले देखिले अर्जुन प्रकृतरे मोर स्वरूप देखि पारु नाही, तेणु ताको कहउचंती अर्जुन तुमे दुईटी चर्म चक्षुरे मत देखि पारिब नाही, मु तुमको त्रिनयन करि दबा पाई चाहे तृतीय नेत्र दबा पाई चाहे, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे जोगमईश्वरम। सेही तृतीय नेत्र हेउची ज्ञानर नेत्र सत्यर नेत्र आनंदर नेत्र आशार नेत्र आश्वासनार नेत्र, से हेउची आलोक एवं उत्साहर नेत्र।
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିନେତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ତୃତୀୟ ନୟନ ଦେଇଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ପଶ୍ୟାମି ଦେବାନ୍ ସ୍ତବ ଦେବ ଦେହେ ସର୍ବାନ୍ ତଥା ଭୂତ ବିଶେଷ ସଂଘାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ ମିଶମ କମଳାସନସ୍ତମ ଋଷିଚ ସର୍ବାନ୍ ଉରଗାଂଶ ଦିବ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର, ଯେଉଁ ତ୍ରିନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର, ସେ ଜ୍ଞାନର ନେତ୍ର, ଆନନ୍ଦର ନେତ୍ର, ଆଶାର ନେତ୍ର, ଆଶ୍ୱାସନାର ନେତ୍ର, ସେ କରୁଣାର ନେତ୍ର, ସିଏ ହେଉଛି କୃପାର ନେତ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର, ସେ ବିବେକର ନେତ୍ର, ସେଇ ବିବେକର ନେତ୍ର ଆଜି ଉନ୍ମୋଳିତ ହେଉ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ଆମେ କହୁ ଚକ୍ଷୁର ଉନ୍ମିଳିତମ ଜେନ, ଆମର କ'ଣ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇନି? କିନ୍ତୁ ନା, ଜ୍ଞାନର ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ତ୍ରିନେତ୍ରଙ୍କର ତ୍ରିନୟନଙ୍କର ଆମେ ଉପାସନା କରିଥାଉ, ତାହେଲେ ଆମର ସେଇ ଜ୍ଞାନର ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୋଳିତ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଜ୍ଞାନ ମିଚ୍ଛତୁ ଶଙ୍କରାତ୍, ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନର ନୟନ ଚାହୁଁ, ଯଦି ଆଶା ଆଶ୍ୱାସନା ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ନୟନ ଚାହୁଁ, ଆମେ ବିବେକ ସତ୍ୟ ଅହିଂସାର ନେତ୍ର ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ସେଇ ତ୍ରିନୟନଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ୍ରିନୟନ ଶିବ। ଶିବ ମାନେ ଶିବ କିଏ? ଶିବ ହେଉଛି ଏକ ଏଭଳି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅମର କୋଷରେ ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ସଂକଳ୍ପ କରୁ, ସେତେବେଳେ ତନ୍ମେ ମନଃ ଶିବ ସଂକଳ୍ପ ମସ୍ତୁ, ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଜାଗ୍ରତ ଦୂର ମୁ ଦେଇତି ଦୈବଂ ତଦୁ ସୁପ୍ତସ୍ୟ ତଥୈବ ଇତି ଦୂରଙ୍ଗମମ ଜ୍ୟୋତିଷାମ ଜ୍ୟୋତିରେକମ ତନ୍ମେ ମନଃ ଶିବ ସଂକଳ୍ପ ମସ୍ତୁ। ମୋର ସଂକଳ୍ପ ମଧୁମୟ ହେଉ, ଶିବମୟ ହେଉ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଭଦ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ଭଦ୍ରଂ କର୍ଣ୍ଣେ ହେବି ଶୃଣୁୟାମ ଦେବାହା, ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ତାହା ଶିବମୟ ହେଉ, ଏ ସଂସାର ଶିବମୟ ହେଉ, ଏ ସଂସାର ଲୋଭନୀୟ ଶୋଭନୀୟ ମଧୁମୟ ସୁଧାମୟ ଅମୃତମୟ ପିଉଷମୟ ହେଉ, ଏହା ହେଉଛି ଶିବ ଆରାଧନାର ଫଳ, ଶିବ ଆରାଧନାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିନୟନକୁ କୁହାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଛୋଟିଆ ରୋଚକ ଉପାଖ୍ୟାନଟି ଆମର ମନେ ପଡ଼େ, ଯେ କାଳିଦାସ କବି କୁଳଗୁରୁ କାଳିଦାସ କୁମାର ସମ୍ଭବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଉପାଖ୍ୟାନ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ତାରକାସୁରଙ୍କର ପୀଡ଼ାରେ ପ୍ରକୋପରେ ଦେବତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାରକାସୁରର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଆଉ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ମୁଁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ, କ୍ଷୀରସାଗରରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ତୁମେ ଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ହେ ଦେବଗଣ, ହେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବଗଣ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ତାରକାସୁରର ପ୍ରକୋପରୁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ ଅଦ୍ୱୈତ ପରମବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଶିବ। ତାଙ୍କର ଯଦି ମା ପାର୍ବତୀ ଜଗନ୍ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଉଭୟଙ୍କର ଔରସରୁ ଏବଂ ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ, ତାର ନାମ ହେବ କାର୍ତ୍ତିକେୟ। ସେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ତାରକାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯାଅ, ସେଇ ଶିବଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ, ଶିବଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ଶିବ ତପସ୍ୟାରତ ରହିଛନ୍ତି। ସେହି ମଙ୍ଗଳମୟ ଆଶୁତୋଷ ଭଗବାନ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱରଙ୍କର ଏ ଗୌରବ ଗାଥା ଗୁଣଗାଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ଏ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିରତି। ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ତ୍ରିନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପରମବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶିବ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ତପସ୍ୟାରତ ଅଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ନିମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବଗଣମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏ ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କରିପାରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯାଇ ସେ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦର କନ୍ଦର୍ପର ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ଯେ କନ୍ଦର୍ପ, ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ମାନସିକ ବିଚଳିତତା ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇପାରିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କାମ ଭାବନା ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଦେବଗଣମାନଙ୍କର ଏ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏକ ମହାନ ଉପକାର ସାଧିତ ହେବ। ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ କନ୍ଦର୍ପ ଯାଇ ଶିବଙ୍କ ମନରେ କାମଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅକାଳରେ ବସନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରି ଶିବଙ୍କୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା, ସେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ ହେଲା ସତ।
किंतु किए मोर समक्ष रे मो ए कठोर तपस्या को भंग करिचि एही कथारे क्रोधान्वित होइ क्रोध जर्जरित नयनरु तांकर अग्निबाण अग्निशिखा विस्फुरित हबा पई लागिला एवं सेही अग्निशिखा रे जतेबेले कंदर्प भस्मीभूत हबा को जाउचि देवता माने कहउचन्ति महाप्रभु शिव तुमे ये कोन करुच कंदर्प को भस्म कर नाही किंतु आकाशरु शब्द आसी शिवंकर कर्णरे पहुंचिबा पूर्वरु तांकर क्रोध जर्जरित नयन जुगलरु जो वन्निशिखा विस्फुरित होइतला कंदर्प भस्मीभूत होइगला ए कथा देखि कोटि ब्रह्मांड सुंदर कंदर्पर सौंदर्य मध्य भस्मीभूत होइबार देखि माँ पार्वती जगन्माता पार्वती जी होउचंती अपूर्व अनिंद्य सुंदरी से देखुचंती एभली सौंदर्य को जी भस्मीभूत करि दैचंती मो भली एक कन्या को कणे शिव विवाह करिवे करिवे नाही पार्वती मध्य तपस्या करिवा पई चलिले निजर सौंदर्य को निजर लावण्य को बहुगुणित करिवा पई एवं पार्वतींकर शिवंक प्रति प्रकृतरे आसक्ति मनोभाव रहिछि कि नाही एकथा परीक्षा करिवा पई स्वयं शिव आसी पहुँचि जाउचंती जने सन्यासी बेसरे जने ब्रह्मचारी बेसरे ज्वलन्निव ब्रह्ममये न तेजसा से ही ब्रह्ममय तेज वीर्य माधुर्य औदार्यर परिपूर्ण एक ब्रह्मचारी आसी कहउचंती माँ पार्वती तुम्हें ये कठोर तपस्या काहीं करुच क्योंकि पाई करुच काही करुच तुम भली एक अली अली कन्या एभली जदि तपस्या करिव हिमालय पाद देश रे ये किछि तुमर कौन अभाव रही हिमालय भली तुमर होची तुमर पिता तुमने होची तांकर संतान तुमे ये सर्वस्व पृथ्वी होची तुमर कह ना मोर तपस्यार अर्थभाग देदेवी किंतु तुमर ये दुख क्लेश को मु सह्य करिपारिबे ना पार्वती कहले ना मु तपस्या करुच मोर एक लक्ष्य रही ना के लक्ष्य रही लज्जाशिला श्रद्धाशिला पार्वती सखी मान को कहीदे कहतु मोर लक्ष्य लक्ष्य कहते सखी माने ये पिनाक पाणी प्रभु आशुतोष शिवंकु तपस्या करी संतुष्ट करी तंकु बर भाव इच्छा करुचंती संगे से ही ब्रह्मचारी जे कि छद्म बेसरे थिले कहिले तुमे से शिव जी होउचंती श्मशान भासी जे कपाल धारण करिचंती जे भस्म धारण करिचंती जे दिगंबर ये कौन तुम्हें करुच कि पार्वती ए संसार रे तुम पाई केते भल रही केते भल बर रही छाड़ी दियो से इच्छा तांकु तुम्हें छाड़ी दियो तुमको मु सर्वस्व प्रदान करदेवी तुम पाई बहुत सुंदर पुरुष अपेक्षारत अछंती पार्वती कहले ताहा कदापि हेई पारिबो नाही सेते बेले शिवंकर निंदा करी ब्रह्मचारी कहउचंती बपुरु विरूपाक्ष मलक्ष जन्मता दिगंबरत्वेन निवेदितं वसु वरेषु जत बाळ मृगाक्षि मृग्यते तदस्ति किं व्यस्तमपि त्रिलोचने विवाहर पाई कन्या तीनोटी जिनिष दरकार कन्या कामयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम माता वित्त अपेक्षा करिथाय पिता ज्ञान देखिथाए बरर केते अछि एवं कन्या चाहे प्रथम जिनिष जे बरर रूप किभली तेणु हे पार्वती तुम्हें जहाँ को बर भाव चाहूच ता बपु विरूपाक्ष से विरूपाक्ष तार केते ताकु सहस्राक्ष कह जाए बपुर विरूपाक्ष मलक्ष जन्मता कौठु जन्म होइछि से केही जानती नाही तार पिता किए जना नाही माता किए जना नाही वंश किए जना नाही गोत्र किए जना नाही बपुरु विरूपाक्ष मलक्ष जन्मता दिगंबरत्वेन से दिगंबर जदि थांता पैसा खंडे लुगा किणी पारि न थांते से दिगंबर दिख हौची अंबर उलग्न सबुबले तांकर बसु केते वित्त केते जना पड़ी जाउची दिगंबरत्वेन निवेदितं वसु वरेषु जद बाळ मृगाक्षि मृग्यते हे बाळ मृगाक्षि हे हरिण नयने गोटे बर पाखरे जो तीनोटी जिनिष आवश्यक रूत रूप कांति रूप वित्त एवं विद्या तदस्ति किं व्यस्तमपि त्रिलोचने कालिदास व्यवहार करुचंती से पुणी त्रिलोचन तीनटा लेचन केड़े खराब दिशुचंती तुमे ताको या करुच सांगे सांगे पार्वती उत्कंपित हृत्कंप तांकर जाग्रत हला कहले तुमे मोर आराध्य देवता मोर आराध्य बर मोर जे लक्ष्य तांक उपरे तुमे करुच आरोप करुच तुमे जानिन से शिव किभली भावरे अकिंचन सन प्रभव ससंपदाम त्रिलोकनाथ पितृसत्मगोचर सभी रूप शिव इति दुर्जते न संति जाथार्थ्य विद पिनाकिनः से त्रिलोचन है परंती से किंतु पिनाकधारी से धनुर्धर से होचंती महान वीर नसंती जाथार्थ्य विदः
ये संसार रे विश्व ब्रह्मांड रे शिवंकर महिमा शिवंकर महत्व गुरुत्व विशेषत्व को जानिबा पाई केही नाहंती नसंती जाथार्थ से अकिंचन हेइ परंती किंतु समस्त प्रभुत्व रसि हौचंती अधिकारी ए समग्र ससागर धरा अतल वितल सुतल र सातल स्वर्ग मर्त्य पाताल र अणिमा मणिमा आदि अष्ट वसुर से हौचंती अधिकारी अकिंचन सन प्रभव स संपदाम त्रिलोकनाथ कौच श्मशानवासी किंतु से त्रिलोकनाथ स्वर्ग मर्त्य पाताल रे से विचरण करितांती तार से हौचंती अधिपति स भीम रूप तुम्हें कौच से रौद्र से भीम ना से शिव इत्युदेर जते से शांत से प्रशांत से हौचंती कांत से हौचंती समस्तंकर आशुतोष मंगलमय एवं नसंती जाथार्थ्य विदः पिनाकिनः तेणु तुम्हें विभूषणोद्भासी पिनद्ध भोगिबा साप तांक भतरे थांतु बा से अलंकार रे अलंकृत हेथांतु गजाजिना लंबी दुकूल धारिबा से गजाजिन धारण करंतु बा दिगंबर हेथांतु बा वस्त्र बलकल धारण करिथांतु किंतु मोर से होचंती कण कपाळिबा स्याद अथ बिंदु शेखरम से कपाळ माला धारण करिथांतु अथवा इंदु शेखर थांतु न विश्वमूर्ति रवधार्यते बपु से विश्वमूर्ति ठारु तुम्हें मोर मन विच्युत करना तांकर महिमा को कई जानी पारे ना आईटि गोटे कहीदे तुम्हें कही तांकर जन्म नाई हे ब्रह्मचारी तुम्हें ठीक कही जी हूँ सच्चिदानंद स्वरूप नित्य बुद्ध बुद्ध परम चैतन्य परम ब्रह्म परात्पर जगत पिता जगत नियंता जगत कर्ता तांकर कर्ता आ किए रे से कारयिता कर्ता से पिता तांकर आ पिता किए रे विवक्षता दोषमपी च्युतात्मना त्वे कमी संप्रति साधु भाषित तुम्हें दोष तांकर कहवापाई जा गोटे बड़ गुण कहीदेच जे तांकर गुण तांकर जन्म गोत्र किछि नाही से होचंती जमा मनंत्यात्म भुवोपि कारणम कथम सलक्ष्य प्रभव भविष्यति जहाँ ठारु आत्मभू ब्रह्मांकर सृष्टि जहाँ ठारु विष्णुंकर सृष्टि जहाँ ठारु चतुर्दश ब्रह्मांडर सृष्टि तांकर आउ जन्म विषय रे आमे कौन कही पारिबा तेणु छाड़ ए कथा को तुम्हें छाड़ दियो तुम्हें मु ताहि होची मोर बर जेतेबेले देखिले जे से पुणी किछि विरोध रे कहिबा पई चाहुचंती संगे संगे पार्वती कहउचंती निवार्यता माळी किम अपयंबटु बाहर कर दियो ये लोकटा को ये अन्नर निंदा करिबा पई मो पाखरे असिछि अन्नर निंदा सुनिबा होची महान पाप जेतेबेले छाड़ी दबा पई चाहुचंती सेतिके बेले शिव देखिले जे ना पार्वतींकर मन अटल अचल से शिवंकु ही बर रूप से चाहती एवं सांगे सांगे से स्वरूप मास्थाय तथा अवलम्बे से निजर स्वरूप को देखी पार्वती की देखुचंती हे पार्वती मु आज थारु तुमर कृतदास होगली से दिन ठारु पार्वती एवं शंकर उभय समिश्रित अवस्था रे चली गले जहां को आमे कहूँ अर्धनारीश्वर अवस्था नमः शिवाभ्याम नव यौवनाभ्याम परस्पराश्लिष्ट बपुर्धराभ्याम नागेन्द्र कन्या वृषकेतनाभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम शंकर एवं पार्वती गोटे शरीर तेणु शिव को कहा जाए अर्धनारीश्वर सी जन्म हला बेले से तो जन्म नुहे से अजन्मा तथापि आरंभरु पार्वती सहित शक्ति सहित संपृक्त एवं जहाँ से कार्य करुचंती से ही शक्तिर महिमारु तेणु शंकराचार्य कहिले जे शिव शक्तिया युक्त यदि भवति शक्त प्रभवितुम ये संसार सृष्टि संभव होची शिवंक द्वारा केवल शक्ति माँ जगत जननी पार्वती प्रसाद तेणु शिव हेउचंती अर्धनारीश्वर एही मंगलमय आशुतोष अर्धनारीश्वर भगवान सच्चिदानंद स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परम चैतन्य परम पिता प्रभु शिवंकर महिमा गाथा वर्णना जारी रहिबो वर्तमान गोटे छोटिया विरति विरति परे पुणी आपण मानंकु एही त्रिनयन कार्यक्रम को स्वागत हे भक्त मंडली विरति परे आपण मानंकु एही परम पावन आशुतोषंकर उपाख्यान उपस्थापन को स्वागत करुचु शुणुथिले से होचंती आशुतोष एभळी कौनती देवता नाहंती जहांकु सामान्य आराधना रे सामान्य पूजा करिवारे सामान्य तपस्या करिवारे
से प्रसन्न हो जाती से जाति धर्म वर्ण निर्विशेष शिव भक्तंकर कौनसी कुल बा कौनसी वर्ण बा कौनसी जातिर आवश्यकता नाही। समस्ते होचंति शिवंकर भक्त चंडाल ब्राह्मण समस्ते तंकर आराधना करि पारंती एवं शिवंकर परिवार हूँ एक महान परिवार से समग्र विश्व को व्यापिकरी रहिचंति। ये समग्र विश्व जो प्रकृति जो पर्यावरण देखा जाउछ सेई कविकुल गुरु कालिदास ताको आठोटी गीतारे ताको आठोटी भावरे विभक्त करा जायछि। ए पर्यावरण पांच गोटी होची पर्यावरणर बाह्य विभाव एवं आउ तीन गोटी होची तार अंतर्निहित अंतर विभाव। गीतारे कुहा जाउची भूमि आप अनल वायु खंग ये होची पृथ्वी अप तेज मरुत व्योम ये होची पांच एवं खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टदा ये होची प्रकृतिर आठ गोटी विभाव। गोटे होची मन अहंकार एवं बुद्धि ये जो आठ गोटी विभाव ये आठ गोटी विभाव किए ये प्रकृतिर जो आठटी स्वरूप ये हूँ शिवंकर आठ गोटी तनु। तेणु कालिदास विशिष्ट विश्वविख्यात जो तांकर नाटक अभिज्ञान शाकुंतलर मूलरे कहुचंती जे प्रकृति प्रेमी होचंती कालिदास जे प्रकृतिर जणे महान उपासक शिवंकर जणे बड़ भक्त शिवंकर करुणारु से विश्वकवीर आख्यारे आख्यायित हो पारिथिले कहुचंती जे जा सृष्टि स्रष्टु राद्या बहति विधिहूतम जा हवेरे जा चहुत्री जे त्वे कालम विदत्त श्रुति विषय गुणा जा स्थिता व्याप्य विश्व जा माहु सर्प बीज प्रकृति रीति जया प्राणिन प्राणवंत प्रत्यक्षाभि प्रसन्न स्तनु बिरवतु बस्ता बिरस्ता बिरीश। यही अष्टमूर्ति अर्थात गोटिए हूँ जलमयी मूर्ति गोटिए वायुमयी मूर्ति गोटिए हूँ पृथ्वीमयी मूर्ति गोटे आकाशमयी मूर्ति गोटे बन्नी तेजमयी मूर्ति गोटे मनोमयी मूर्ति गोटे बुद्धिमयी मूर्ति गोटे हूँ अहंकारमयी मूर्ति। यही जो आठटी मूर्ति ये आठटी मूर्ति ही आठटी तत्व ही समग्र विश्व ब्रह्मांड को व्यापी रही आठटी तत्व पर आउ तत्व किसी ना। ये तत्वर अर्थ हेउची ये तत्व जदि सबु शिवंक पाखरे कथार्थ हो गले ताहले ये समग्र विश्व को शिवंक छड़ा आउ किछि नाइ। तेणु कठोपनिषद रे कहिले ईशावास्यमिदं सर्वं जत किंच जगत्याम जगत ईशा माने शिव शिवंकर अनेक नाम अछि सेथिमध्यरु ईशा हेउची गोटिए नाम ईशावास्यमिदं सर्वं। एई ईशंक द्वारा प्रभु भगवान शिवंक द्वारा समग्र पृथ्वी आक्रांत होकर रही तेन तक्तेन भुंजिता माँ गृध कस्य शुद्धनम त्याग बल भोग यार दृष्टांत होती ईश आशुतोष भगवान शिव भोलानाथ एवं सीए जदि आपण सी सब त्याग करदे तथापि चतुर्दश ब्रह्मांडर सी हूँ भोक्ता सी हूँ राजा। तेणु ये हूँ से विश्वर विश्वर जो परिवार आमे कौचु वसुदैव कुटुंबकम समग्र विश्व प्राणी जगत मनुष्य जगत स्वभावस्थानर संस्कृति रे शांति मैत्री प्रगतिर संस्कृति रे एकाठी रहंतु। यार उदाहरण विश्व ब्रह्मांड रे जदि जड़े केई सृष्टि करथिबे प्रथम थर पाई से होचंती भगवान आशुतोष अर्थ नारीश्वर शिव से देखुचंती तांकर देखंतु तांकर पत्नी सहधर्मिणी माता पार्वती देवी तांकर पुत्र होचंती कार्तिकेय पुत्र होचंती गणेश स्वयं होचंती शिव गोटे छात तले जिते रही बाहन किए माँ हूँ सिंह तांकर हूँ वृषभ एवं कार्तिकेयंकर मयूर शिवंकर शरीर जाक रही सर्प एवं गणेशंकर बाहन हूँ मूषा प्रत्येक प्रत्येकंकर हूँ शत्रु। अहि नकुल संपर्क आम कही था अहि अच्छा नकुल अच्छा सिंह अच्छा वृषभ अच्छा मूषा अच्छी साप अच्छी समस्त समस्त को खाईदार प्रवृत्ति रही किंतु तांकर से जो छात्रव पत्र से जो वैर प्रकृति को त्याग कर स्वभावस्थानर जो मधुमय संस्कृति एवं दर्शन उद्बुद्ध होकरी शिवंकर जो शांत कांत स्वरूप समस्त आलोकित उद्बुद्ध एवं प्रेरित होकरी आज गोटे छात तले रही पारिचंती गोटे परिवार रही। तेणु वेदरे जो कथा कह जाती एक नीडम वसुधैव कुटुंबकम तार ज्वलंत उदाहरण हूँ शिवंकर परिवार। शिवंकर परिवार तो हूँ समग्र विश्व माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशम भुवनत्रयम ये समग्र भुवनत्रय स्वर्ग मर्त्य पाताल हूँ मोर घर कारण मोर पिता हूँ शिव परम पिता हूँ
मोर माता हेउचंती जगत जननी मां अन्नपूर्णा पार्वती जे हेउचंती अर्थ उभय संप्रुक्त हेचंती सेइ कालिदास कहउचंती उभयंकर संपर्क नित्य विच्युत नाही बागर्थाविव संप्रुक्तो बागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ जे हेउचंती जगतर पिता जगतर माता बाक एवं अर्थ शब्द एवं अर्थ एई दुईटी जिनिष जेभली भावरे संयुक्त होइकिरी समग्र जगत को सारस्वत आलोक रे आलोकित करिथांती ठीक सेई भली पिता एवं माता ये होचंती सेई भली एवं एई शिवंकर जदि आम आराधना करिथाउ अनेक कर तांकर अनेक नाम रहिछि किंतु गोटिए नाम हे भक्त मंडली मु आपनक निकटरे कहू से काहीं आदि आइकिचंती द बेस्ट मैनेजर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड यूनिवर्स सबुठारु भला सुशासन देई पारुचंती तांकर गोटिए ना होची नीलकंठ अर्थात नीलकंठ काई की हला जेतेबेले समुद्र को जो चोर ये करिले तांकु समुद्र मंथन कले समुद्र मंथन रु बहुत जिनिस बाहरी थिला लक्ष्मी बाहरी थिले अमृत बाहरी थिला एवं विष मध्य बाहरिला से विष को देवता मान को देई दबा पाई असुर माने जेतेबेले चक्रांत कले से विष को किए धारण करिवो नहले विश्व ध्वंस होइजिवो समस्तंकर भाळेणी जेतेबेले पडिगला देवता माने विषन्न होइगले संगे संगे भगवान शिव आसुचंते छाडि दियो से हळा हळा को मते देई दियो से गरळ को मते देई दियो से गरळ को सब पान करिले एवं कंठ रे रखिले ताको तेणु तांक ना हला नीलकंठ एवं समग्र विश्व को से ध्वंस मुखर रक्षा करदे तेणु से सबुठ बड़ प्रशासक से सबुठ बड़ सुशासक जे सक अब्जर्भर हो जाए जे अन्नर दुख दुर्दशा अन्नर गाड़ी गुलज निंदा प्रशंसा को हजम कर निजर कार्य कर चले निजर कार्य अर्थात मंगलमय कार्य शिव आज समस्त को आत्मसात कर सबु विष को आज आत्मसात कर आज मंगलमय समस्त मंगल साधन कर जतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह तदेव परमं प्रोक्तं ब्रह्मैव शिवसंकगम आदि होचंति सेई शिवसंकग शिवसंकग होचंति परम ब्रह्म आदि अछंति बहु देवता अछंति जनार्दन प्रभु जगन्नाथ होचंति स्वयं शिव आमे विष्णु भक्त वैष्णव माने विष्णु को कहता आमर मध्य विष्णु का प्रति बहुत रहिछे किंतु भर्तृहरि कहउचंति महेश्वरे वा जगता मधीश्वरे जनार्दने वा जगदंतरात्मनि समान भाव प्रतिपत्ति रिदृशी तथापि भक्ति तरुणेन्दु शेखरे थाई परंतु अनेक देवता समस्त उपकारी करुचंति किंतु काही मोर अंतकरण कहुची सेई भगवान तरुणेन्दु शेखर आसुतोष मंगलमय प्रभु शिव परम ब्रह्म निकट रे मोर मथा काहीं आपे आपे नता हो जाऊँ कारण से मंगलमय से आसुतोष से जगतर कल्याण करवाई ये संसार रे स्वयं भाव आविर्भूत होती आज प्रसंग यही आम रखुचु एवं पुणी आगामी काली समय आपण सहित साक्षात।